अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी इमरान खान और वर्डप्रेस की कंप्लीट उर्दू ट्रेनिंग के साथ आप लोग खिदमत में हाजिर हुआ हूँ मैं। वेल तो गाइस, वर्डप्रेस की ट्रेनिंग में हम शिफा वर्डप्रेस थीम के हवाले से हम बात कर रहे थे, उसके सेटिंग्स के हवाले से डिस्कस कर रहे थे और काफ़ी हद तक हमने सेटिंग्स डिस्कस कर ली थी। अपनी आज की वीडियो में मैं आप लोग को ट्विटर API सेटिंग्स के हवाले से बताऊँगा कि बेसिकली ट्विटर API सेटिंग्स हम किस तरह कर सकते हैं और किस तरह ट्वीट्स अपनी जो है वो वेबसाइट में विजिबल करवा सकते हैं अपने ब्लॉग में, के ट्विटर के साथ साथ हमारे पास जो इसके ट्वीट्स वगैरह हैं वो भी हमारे पास हमारी वेब पेज में डिस्प्ले हो सके। अपने करना कुछ यूँ है कि अपने जो है वो शिफा थीम की डैशबोर्ड में जाना है, जिस तरह मैं डैशबोर्ड में आ चुका हूँ। डैशबोर्ड में जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एडवांस लिखा हुआ होगा, एडवांस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह के ट्विटर API और सेटिंग्स का जो है वो मेन्यू खुल जाएगा। यहाँ पे आपने ट्विटर का यूज़र नेम और बाकी तर जो सेटिंग्स है वो आपने लिखनी है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि कंज्यूमर की में क्या लिखना है, कंज्यूमर सीक्रेट में क्या लिखना है, एक्सेस टोकन में क्या लिखना है, एक्सेस टोकन सीक्रेट में क्या लिखना है। तो उसके लिए आपने न्यू टैब में आना है। ये टाइप करके आपने इंटर कर देना है। dev.twitter.com यानी कि developer.twitter.com में हम आ चुके हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे जाना और यहाँ पे माई ऐप लिखा हुआ होगा, चूँकि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे twitter.com के बाद /AAPS ये आपने लिख के आपने यहाँ पे इंटर कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे देख लें कि shifaapp1 engineerimrankhan.com यानी कि मैं एक ऐप ऑलरेडी बना चुका हूँ यहाँ पे। अब चूँकि एक और वेबसाइट है तो मैं एक और ऐप यहाँ पे बनाऊँगा और यहाँ पे इसको मैं फॉर एग्ज़ाम्पल Training 1 का नाम दे देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में इसको दूंगा कि कोई भी डिस्क्रिप्शन आप दे दें, और वेबसाइट का URL मेरे पास ये है तो मैं ये यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा। इसे आप छोड़ दें, उसके बाद यस आई एग्री, क्रिएट माई ट्विटर एप्लीकेशन, योर एप्लीकेशन हैज़ बी क्रिएटेड, टेक अ मोमेंट टू रिव्यू एंड एडजस्ट योर एप्लीकेशन सेटिंग। जो एप्लीकेशन है वो हमारे पास बन चुकी है टेस्ट ऑथ, ठीक है, Training 1 के नाम से। अब बेसिकली हम यहाँ पे देख लें कि आपके पास जो कंज्यूमर की ये सारी चीज़ें आपके पास आ चुकी हैं। ठीक है जी, अब बेसिकली आपने करना क्या है, आपने करना कुछ यूँ है कि मॉडिफाई, अब यहाँ पर हमारे पास एक्सेस टोकन सीक्रेट यहाँ पर हमारे पास शो नहीं हो रहा, उसके लिए हमें क्या करना होगा, की एंड एक्सेस टोकन यहाँ पर आप आ जाए, जनरेट कंज्यूमर की एंड सीक्रेट, इस पर आप क्लिक करते हैं। ठीक है, कंज्यूमर की एंड हैव बीन सक्सेसफुली रीजनरेटेड, रिफ्रेश चेंज, ठीक है, जनरेट हमारे पास हो चुकी है। अब क्या करना है, योर एक्सेस टोकन क्रिएट माई एक्सेस टोकन पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, एप्लीकेशन एक्शन आपके पास हो चुकी है, अब अपने एक्सेस टोकन पे क्रिएट माय एक्सेस टोकन पे आपने क्लिक कर लेना है ताकि एक्सेस टोकन और जो सीक्रेट एक्सेस टोकन जो रिक्वायर्ड है वो भी आपके पास जो है वो बन जाए। ठीक है जी, ये देखिए एक्सेस टोकन क्रिएट एक्सेस टोकन। ठीक है, अब ये जो एक्सेस टोकन है ये आप यहाँ से कॉपी कर लें और यहाँ पर आ जाए, एक्सेस टोकन कहाँ मांगा जा रहा है, यहाँ पे मांगा जा रहा है, पेस्ट कर दें और एक्सेस टोकन सीक्रेट इसको भी आप यहाँ से कॉपी कर दें, यहाँ पे आके इसको आप पेस्ट कर दें। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद क्या मांगा जा रहा है हमसे, कंज्यूमर सीक्रेट, कंज्यूमर की तो आपके पास ये है, इसे भी आप कॉपी कर दें, ये कंज्यूमर की में आपको पेस्ट कर दें और कंज्यूमर सीक्रेट, कंज्यूमर सीक्रेट ये है आपके पास, इसको भी आप यहाँ से कॉपी कर दें, यहाँ के आप इसको पेस्ट कर दें। और ट्विटर में हमारे पास नाम क्या है, ये मेरे पास नाम है, ठीक है जी, और इसे डिसेबल रहने दें। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ आके इसको सेव चेंजेस आपने कर देना है। ठीक है जी, यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे आपने करना क्या है कि आप डैशबोर्ड में आ जाए ये सेटिंग करने के बाद। ठीक है जी, और उसके बाद आपने कहाँ आना है, उसके बाद आपने आना है कस्टमाइजेशन में, अपीयरेंस
और कस्टमाइज, यानी कि आप अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज करें ताकि आप ट्विटर ऐड कर सकें। ठीक है जी। और यहाँ पे आपने वेडगेट में आना है, फुटर में ऐड करना चाहते हैं जिस तरह मैंने अपनी इस वेबसाइट में फुटर में ऐड किया हुआ है, तो आप क्या करेंगे कि वेडगेट्स में आ गए। अब यहाँ पे हर एक के अलग अलग वेडगेट्स लिखे हुए हैं, फर्स्ट फुटर, सेकंड फुटर, थर्ड फुटर, किसी एक में भी आ जाए। यहाँ पे ऐड वेडगेट्स पे क्लिक करें, यहाँ पे आपके पास सारे वेडगेट्स शो हो रहे होंगे। ठीक है जी। आपने क्या करना है, आपने यहाँ से जो है वो ट्विटर का वेडगेट्स लेना है, ये रहा ट्विटर का वेडगेट्स, इस पर आपने क्लिक किया और यहाँ पे ये कह रहा है कि आपने टाइटल देना है फॉलो मी ऑन ट्विटर। ठीक है। ये कह रहा है कि नंबर ऑफ ट्वीट्स कितने शो करवाना चाहते हैं, 10 शो करवाना चाहते हैं तो 10 लिख दें, क्लोज, सेव एंड पब्लिश। ठीक है जी, ये आपके पास हो चुका है। यहाँ क्या आप चेक कर लेते हैं इसको और आते हैं फुटर में। यहाँ पे देख लें कि ये हमारे पास जो है वो ट्वीट्स फॉलो मी ऑन ट्विटर जो हमने ऐड किया था वो हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। 10 ट्वीट्स मैंने कहा था कि 10 ट्वीट्स मेरे पास शो हो, तो अभी अगर ये काउंट करें तो ये टोटल 10 ट्वीट्स हैं। आप अपनी मर्ज़ी से 10, 5 या 3 जितने ट्वीट शो करवाना चाहते हैं उतने ट्वीट्स आप यहाँ पे शो करवा सकते हैं। अब ये सारे ट्वीट जो हैं आपके पास यहाँ शो हो रहे हैं, लेकिन मेक श्योर कि ये ट्वीट शो करवाने से पहले आपने अपने ट्विटर की बिल्कुल करेक्टली API सेटिंग्स वगैरह की हुई है। होप सो कि यहाँ तक आप लोगों को बेहतर समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर पीपल बीइंग अटेंशन। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड फी अमानुल्लाह।